हेलो दोस्तों, माय हिस्ट्री नोट्स में आपका स्वागत है। और अगर आप मेरे पेज पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहे। और दोस्तों, लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वह है, जियाउद्दीन बरनी के इतिहास के सिद्धांत के विशिष्ट तत्वों को उजागर कीजिए और तारीख़ फिरोजशाही का सल्तनत काल के स्रोत के रूप में मूल्यांकन कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बरनी का जन्म सन 1284 या 85 में हुआ था। उनकी दो महत्वपूर्ण कृति तारीख़ फिरोजशाही तथा फतवाए जहादारी है। वह स्वयं हमें बताते हैं कि यह कृतियाँ उन्होंने दूसरों की सहायता के लिए लिखी थी। उनका बचपन शाही राजधानी के नज़दीक बीता और उन्हें बहुत अच्छी शिक्षा मिली। अपनी कृतियों में उन्होंने 46 विद्वानों का उल्लेख किया है जिनसे उन्होंने शिक्षा पाई। एक विद्वान के रूप में उन्हें जो प्रशिक्षण मिला था वह उनके धार्मिक राजनीतिक दृष्टिकोण को निर्धारित करता है। कुछ अमीरों से उनकी नज़दीकी संबंध थे। बरनी अमीरों के उस वर्ग में शामिल थे जिसने फिरोजशाह तुगलक के बजाय किसी अन्य राजकुमार को मोहम्मद तुगलक के उत्तराधिकारी के रूप में गद्दी पर बिठाने की कोशिश की थी। अपने अंतिम दिनों में वह गरीब हो गए थे और उनका सामाजिक बहिष्कार भी कर दिया गया था। उन्होंने कई बार अपनी दयनीय स्थिति का उल्लेख किया है। तो दोस्तों, बरनी का जन्म 1284 या 85 में हुआ था और उन्होंने दो महत्वपूर्ण किताबें लिखी, तारीख़ फिरोजशाही तथा फतवाए जहांदारी। और उनका जो जन्म था वह शाही राजधानी के आसपास हुआ, इसलिए उनके जो संबंध थे अमीरों के साथ उनके अच्छे संबंध थे और इसी वजह से उनको एक अच्छी शिक्षा भी मिली। और कहा जाता है कि अपने अंतिम दिनों में वो काफ़ी गरीब हो गए थे और काफ़ी गरीबी की ज़िंदगी बिताने लगे थे और साथ ही साथ उनका सामाजिक बहिष्कार भी कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने अपनी इस दयनीय स्थिति का उल्लेख अपनी रचना में भी किया है। बरनी मानते थे कि इतिहास लेखन एक उत्तम कार्य है जिसके द्वारा वे अपने सभी पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं। एक बात जिसके लिए वे विशेष रूप से शर्मिंदा थे वह था कि उन्होंने मोहम्मद तुगलक के उस समय आलोचना नहीं की जब उन्हें उसके अधार्मिक तथा क्रूर कृतियों को देखने का मौका मिला था। उनके अनुसार इतिहास लोगों को ईश्वरीय वचनों, पैगंबर साहिब के कार्य तथा शासकों से परिचित कराता है। किसी कार्य के अच्छे तथा बुरे परिणाम को दिखाकर इतिहास लोगों के लिए एक प्रकार की चेतावनी का कार्य भी करता है। यह राजाओं तथा अमीरों को यह दिखाता है कि दूसरों के अनुभवों से शिक्षा लेकर सही निर्णय किस प्रकार लिया जाए। इसके अलावा इतिहास को पढ़े बिना हदीस को भी नहीं समझा जा सकता, जो मुसलमानों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बरनी के कुछ भौतिक उद्देश्य भी थे जिनकी वजह से उसने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एक के बाद एक पुस्तकें लिखी। उन्हें आशा थी कि तत्कालीन शासक फिरोजशाह तुगलक प्रसन्न होगा, उन्हें इनाम देगा और उनकी गरीबी का अंत हो जाएगा। तो दोस्तों, बरनी इतिहास लेखन को एक उत्तम कार्य मानते थे क्योंकि उनका मानना था कि इतिहास लेखन द्वारा अपने पापों का प्रायश्चित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने मोहम्मद तुगलक के बारे में जो जानकारी दी वो उनके अच्छे कार्यों के बारे में जानकारी दी, जबकि उन्होंने उसके अधार्मिक तथा क्रूर कामों को देखा लेकिन उन्होंने उसकी आलोचना नहीं की। और दोस्तों, बरनी मानते थे कि इतिहास एक ऐसा दस्तावेज है जो लोगों को ईश्वर के वचनों और शासकों से परिचित करवाता है और साथ ही साथ वह राजाओं और अमीरों को एक सीख भी देता है कि यदि वो कोई निर्णय ले तो उसके अच्छे भले के बारे में सोच कर ही कोई निर्णय ले। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अंत में बरनी की जो स्थिति थी काफ़ी दयनीय हो गई थी, इसको सुधारने के लिए उसने एकाएक पुस्तकें लिखी और ये पुस्तकें उसने फिरोजशाह तुगलक को प्रसन्न करने के लिए लिखी थी ताकि वो उसको कोई इनाम दे और उसकी गरीबी से उसको छुटकारा मिले। बरनी यह एकदम स्पष्ट कर देते हैं कि उनकी रचना अमीर एवं कुलीन वर्ग के लोगों के लिए लिखी गई है। केवल वही इतिहास को समझ सकते हैं और उसे उसका लाभ उठा सकते हैं। वह राजसत्ता को एक गैर इस्लामी संस्था समझते थे, इसलिए बादशाहों को निजात पाने के लिए विशेष प्रयास की जरूरत थी। वह कहते हैं कि बादशाह के लिए यह बहुत जरूरी है कि वह इस्लाम का संरक्षण करे, शरीयत को लागू करे और गैर मुसलमानों को दंड दे। राज्य का यह भी दायित्व है कि वह सभी तरह की अनैतिकता का निषेध करे। शासन का कार्यभार पवित्र एवं धार्मिक व्यक्तियों को सौंपा जाना चाहिए। दार्शनिकों तथा बुद्धिजीवियों को शासन में कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए। बरनी के अनुसार एक संस्था के रूप में बादशाहत को भय के द्वारा कायम रखा जा सकता है। उन्होंने एक मजबूत तथा कुशल सेना की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने सलाह दी कि सेना को सतर्क रखने के लिए जरूरी है कि उसे नियमित रूप से प्रशिक्षण मिले। वे मानते थे कि आदर्श मुस्लिम समाज एक खास श्रेणी क्रम में व्यवस्थित था जिसमें सभी के पेशे सुनिश्चित थे और शासन का यह कर्तव्य था कि वह उसको कायम रखे।
तो दोस्तों बर्नी ने जो अपनी पुस्तकें लिखी वो अमीरों के लिए लिखी और राजाओं के लिए लिखी। साथ ही वो कहता था कि बादशाह को इस्लाम का संरक्षण करना चाहिए और शरीयत को लागू करना चाहिए और साथ ही साथ जो गैर मुसलमान हैं उनको भी दंड देना चाहिए। और साथ ही साथ वो चाहते थे कि जो शासन का कार्यभार है वो पवित्र एवं धार्मिक व्यक्ति को ही सौंपा जाना चाहिए। लेकिन उनके बारे में एक आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि वो नहीं चाहते थे कि कोई दार्शनिक और बुद्धिजीवी को शासन में मौका दिया जाए। बर्नी ने साथ में एक कुशल और प्रशिक्षित सेना रखने के लिए राजा को सलाह दी और साथ ही वो मानते थे कि जो मुस्लिम समाज है उसके अंदर जो लोग हैं जो उनका पेशा है उसको राजा को कायम रखना चाहिए और उनको बढ़ावा देना चाहिए। उनकी नज़र में निम्न कुल में जन्मे लोगों का कोई वजूद नहीं था। वह मानते थे कि नीचे खानदान में जन्म लेने वालों को सरकारी सेवा में नहीं रखा जाना चाहिए। उन्होंने मोहम्मद तुगलक की कटु आलोचना की क्योंकि उसने निम्न कुल के तथा शुद्धिकरण द्वारा मुस्लिम बनने वाले लोगों को ऊंचे ऊंचे पद दे दिए थे। उन्होंने मोहम्मद तुगलक को बिगाड़ने के लिए दार्शनिकों तथा बुद्धिजीवियों को दोषी ठहराया है। भविष्य में होने वाले राजाओं को बर्नी की सलाह है कि वे दार्शनिकों तथा बुद्धिजीवियों का दमन करें क्योंकि वह मुस्लिम धर्म के विरोधी है। शिक्षकों को उनकी सलाह थी कि वे निम्न कुल के लोगों को शिक्षा ना दें क्योंकि हुनर सीखकर वे नौकरी में लग जाते हैं और इस प्रकार सामाजिक उथल पुथल को जन्म देते हैं। वह व्यापारियों को सबसे अधम वर्ग मानते थे और चाहते थे कि राजा यह भली भांति देख ले कि वे किसी तरह अमीर ना हो पाए। उनके अनुसार किसी राजा की सफलता के लिए उसकी नीतियाँ काफ़ी हद तक जिम्मेदार होती हैं। इसी प्रकार अलाउद्दीन की आर्थिक सुधार के बारे में उनका विचार है कि वे सुधार साम्राज्य की शक्ति तथा सुरक्षा के लिए जरूरी थे। तो दोस्तों बर्नी मानते थे कि जो निम्न कुल में जन्मे लोग हैं उनको सरकारी नौकरी नहीं देनी चाहिए और ना ही उनको शिक्षा देनी चाहिए। इसी वजह से वो मोहम्मद तुगलक से काफ़ी नाराज़ थे क्योंकि उन्होंने जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया था यानी जो मुस्लिम धर्म अपना चुके थे उनको उसने ऊँचे ऊँचे पद दे दिए थे और इसके लिए उसने दार्शनिकों और बुद्धिजीवियों को भी उत्तरदायी माना। और इसे रोकने के लिए उसने शिक्षकों से कहा कि वह निम्न कुल के लोगों को शिक्षा ना दे क्योंकि वह सरकारी नौकरी लेकर समाज में उथल पुथल पैदा करते हैं। और वह मानते हैं कि किसी राजा की सफलता उसकी नीतियों पर आधारित होती है, इसलिए वह अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक सुधार नीति की काफ़ी तारीफ करते हैं और उसके बारे में जानकारी देते हैं। तारीख़ फिरोजशाही। बर्नी ने अपनी यह रचना 1357-58 ईस्वी में पूरी की। उनकी यह रचना मध्यकालीन भारतीय इतिहास के विकास को दर्शाती है। इस रचना में उन्होंने अपना ध्यान केवल हिंदुस्तान पर केंद्रित किया है क्योंकि वह जानते थे कि मुस्लिम शासकों का मध्य एशिया की घटनाओं से अब कोई संबंध नहीं है। इस रचना का दोष यह है कि इसका कालानुक्रम दोषपूर्ण है। बर्नी केवल एक क्षेत्र की राजनीतिक घटनाओं पर विचार करते हैं। उनके विभिन्न अध्ययन अलग अलग शासनकाल पर आधारित है। हर अध्याय के आरंभ में वे शाही राजकुमारों तथा विभिन्न अमीरों की सूची देते हैं। उन्होंने फिरोजशाह तुगलक के शासनकाल को 11 अध्याय में बांटा है। इसमें फिरोजशाह तुगलक के शासनकाल की सामान्य विशेषताओं का चित्रण किया गया है। वह अन्य लोगों के माध्यम से राजनीतिक के बारे में स्वयं अपने विचारों का समावेश कर देते हैं। उन्होंने अपनी रचना में विविध ऐतिहासिक व्यक्तियों के मध्य वार्तालाप को दर्शाया है। तो दोस्तों इनकी जो रचना है वो मध्यकालीन इतिहास के बारे में हमें जानकारी देती है और साथ ही साथ उन्होंने जो है अपना ध्यान हिंदुस्तान के इतिहास को लिखने पर केंद्रित किया क्योंकि उस समय जो भारत के मुस्लिम शासक थे उनका मध्य एशिया के मुस्लिम शासकों से संबंध टूट चुका था। अब उनका उनसे कोई लेना देना नहीं था, इसलिए इन्होंने उनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी। और उन्होंने अपना सबसे ज़्यादा ध्यान राजनीतिक घटनाओं पर दिया है और जो उस काल के राजा थे और उनके जो राजकुमार थे उनकी यहाँ तक की सूचियाँ भी दी है। और इन्होंने इसमें फिरोजशाह तुगलक के शासनकाल के बारे में बताया है और साथ ही साथ उसके कुछ विशेषताओं का भी इन्होंने विवरण दिया है। और उनके इसी रचना के माध्यम से उनकी राजनीतिक के बारे में सोच का भी पता चलता है। अपनी रचना में बर्नी तिथि का संकेत कभी कभार ही करते हैं और जब करते भी हैं तो वह गलत होती है। इसका कारण वे हालात हो सकते हैं जिसमें वे लिख रहे थे, उन्हें केवल वे घटनाएँ याद है और उन्हीं का उल्लेख करते हैं जो किसी कारण से श्रृंखला में जुड़ी हुई हो और जिनका उनके ऊपर प्रभाव हो। वार्तालाप को लिपिबद्ध करने की उन्होंने जो तकनीक अपनाई वह और भी ज़्यादा रोचक है। उसे देखकर ऐसा लगता है मानो वार्तालाप के समय वे स्वयं वहाँ मौजूद हो या जैसे उनके पास वार्तालाप की नकल मौजूद हो। इस कारण उनका इतिहास पढ़ने में अधिक रोचक हो जाता है।
इस रचना में बर्नी ने अपने परिवार के लोगों या उनके संग साथ वालों या फिर प्रत्यक्षदर्शियों से सुनी सुनाई सूचनाओं का उपयोग किया है, हालांकि उन लोगों के नाम पते का उल्लेख नहीं करते जब तक उन्हें किसी ईमानदार तथा ईश्वर से डरने वाले मुसलमान के शब्द मिले, और जब तक उपलब्ध सूचना उनके दृष्टिकोण के अनुरूप रही तब तक उन्होंने उसकी विश्वसनीयता में संदेह नहीं किया। तो दोस्तों, इनकी जो रचना में दोष रहा वो यह था कि उन्होंने तिथियों को सही ढंग से नहीं लिखा। तो वहीं दूसरी तरफ इनकी रचना की जो खास बात थी वह यह थी कि इन्होंने व्यक्तियों के बीच में जो वार्तालाप हुए उनको इस तरीके से प्रस्तुत किया कि मानो वो वहीं पर मौजूद थे और बिल्कुल हूबहू उन्होंने उसको दर्शाया है। और दोस्तों, बर्नी ने अपनी रचना लिखने के लिए अपने परिवार वालों का भी जो है विवरण लिया और साथ ही साथ उनके जानने वालों से भी कुछ जानकारियाँ लेकर अपनी सूचनाओं में अंकित किया। लेकिन उन्होंने अपनी रचना में केवल उन्हीं लोगों की बातों को शामिल किया जो लोग ईश्वर से डरते थे और साथ ही साथ ईमानदार थे। बर्नी हर अध्याय के अंत में सल्तनतकालीन राजनीति के किसी न किसी पहलू के विकास की रूपरेखा करते हैं। उदाहरण के लिए वह दर्शाते हैं कि विभिन्न सुल्तानों का दंड के प्रति क्या दृष्टिकोण था। उनकी रचनाओं में जो सूचनाएँ दी गई हैं वे केवल राजनीतिक तक सीमित नहीं हैं, उनमें राजस्व तथा प्रशासन संबंधी सूचनाओं के अलावा साधु संन्यासियों, हकीम, कवियों और अमीरों आदि की सूचनाएं भी दी गई हैं। इस युग में सल्तनत को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा उसका स्वरूप क्या था, इसकी जानकारी हमें बर्नी के लेख से मिलती है। वे बताते हैं कि बलबन ने सत्ता का एकीकरण किस प्रकार किया, खिलजियों के शासनकाल में सल्तनत का स्वरूप किस प्रकार बदला, विशेष रूप से अलाउद्दीन के शासनकाल में जब उसे मंगोलों के आक्रमण के खतरे का सामना करना पड़ा तो राज्य के स्वरूप में परिवर्तन आए, और मोहम्मद तुगलक ने किस प्रकार भीषण उपायों द्वारा विघटन का जवाब रोकने की कोशिश की। इसमें संदेह नहीं कि बर्नी की रचनाओं का उपयोग करते समय काफ़ी सावधानी की ज़रूरत है, क्योंकि पर्याप्त तथ्य देने में उनकी दिलचस्पी नहीं है। तो दोस्तों, बर्नी ने अपनी रचनाओं में शासकों के दृष्टिकोण को भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि वह दंड के प्रति क्या दृष्टिकोण रखते थे, और साथ ही साथ उन्होंने हकीम, सन्यासियों, साधु संतों, कवियों, अमीरों सबकी सूचियां भी अपने लेख में प्रस्तुत की है। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी दिखाया कि जब राज्य पर आक्रमण होता है तो किस तरह से राज्य का स्वरूप बदलता है, कैसे शासक उसके जवाब में कार्रवाई करते हैं, इन सभी बातों की जानकारी जो है हमें बर्नी के लेखों से मिलती है। लेकिन बर्नी ने अपने लेखन में किसी तथ्य का इस्तेमाल नहीं किया है, इसीलिए इनके लेखन को पढ़ते समय सावधानी बरतनी भी जरूरी है। जियाउद्दीन बर्नी दिल्ली सल्तनत के इतिहास को ग्यासुद्दीन बलबन से आरंभ करके उसे फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के छठे वर्ष तक ले जाते हैं। उत्तरी भारत के इतिहास के कठिन तथा संकटग्रस्त समय के संदर्भ में वह हमारी सूचना के प्रमुख स्रोत हैं। इस युग के संदर्भ में बर्नी ऐसे विद्वान के रूप में हमारे सामने आते हैं जिनसे परिवर्ती इतिहासकार जैसे फरिश्ता, सरहिंदी, बदाविनी और निजामुद्दीन अहमद अपनी सूचनाएँ ग्रहण करते हैं। उनकी रचनाएँ उन विवादों की जड़ भी है जो उस युग से संबंधित आधुनिक इतिहास लेखन में परेशानी का कारण बनी है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी समाप्त हुआ, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा, और साथ ही इसको लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा जहां से आप इसकी सॉफ्ट कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, और इसे देखने के लिए आपका शुक्रिया।